नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। बिहार सरकार आए दिन किसानों के लिए कोई ना कोई योजना लेकर आती रहती है। इसी के चलते हाल ही में सरकार ने दो और कृषि यंत्रों पर अनुदान देने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि सुपर सीडर और स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम मशीन पर सामान्य और पिछड़ा वर्ग के किसानों को बिहार सरकार ने 80% अनुदान देने का प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, इस साल 77 तरह के कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसान 15 जनवरी 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार का कहना है कि प्रदेश में पराली जलाने से रोकने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ सुपर सीडर मशीन कंबाइन हार्वेस्टर से फसल कटाई के बाद बचे हुए पुआल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मिट्टी में मिला देता है, तो वहीं स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम मशीन कंबाइन हार्वेस्टर के साथ ही पीछे लगाया जाता है। ये मशीन भी फसल अवशेष को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मिट्टी में मिला देता है। आपको बता दें कि पुआल प्रबंधन के लिए हैप्पी सीडर, स्ट्रॉ बेलर, रोटरी मल्चर और रीपर कंबाइंडर पर 75% से 80% अनुदान का प्रावधान किया गया है। कृषि यंत्रीकरण के लिए निर्धारित बजट में पुआल प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर 15% राशि खर्च करने के लिए प्रावधान किया गया है, तो वहीं 18% अत्यंत पिछड़े वर्ग के किसानों को SC/ST की तरह अनुदान देने का प्रावधान पहली बार किया जा रहा है। इस साल कृषि यांत्रीकरण के तहत अनुदान देने के लिए 163.51 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत खेतों की जुताई, बुआई, सिंचाई, पौधा संरक्षण, फसल की कटनी, दौनी आदि के उपयोग के लिए कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। ऐसे ना जाने कितने किसान हैं जो खेती में लीक से हटकर अपना नाम और अपनी पहचान बना रहे हैं। कुछ ऐसा ही काम इन दिनों उत्तर प्रदेश के गोंडा की महिला किसान कर रही हैं, जिसके चलते ये महिला किसान यहाँ के किसानों के लिए प्रेरणा बन रही। आपको बता दें कि यहाँ रहने वाली तहरुन्निसा एक वक्त तक पेशे से मजदूरी किया करती थी। हालांकि उसके बाद उन्होंने अपने 3 बीघा खेतों में फूल की खेती की शुरुआत की। वहीं तहरुन्निसा कहती हैं कि 1 बीघे के खेत में औसतन 10,000 रुपये का खर्च आता है, जिसमें फूलों के खेतों की निराई गुड़ाई खाद सिंचाई सब कुछ ऐड हो जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि हम फूलों के बीज लखनऊ से लाते हैं, जबकि 1 बीघे खेत में मुझे लगभग 25,000 रुपये का मुनाफा हो जाता है। साथ ही उनकी माने तो उन्होंने कहा कि गेंदा का फूल 2.5 महीने से लेकर 3 महीने में तैयार हो जाता है। वहीं शादी निकाह से लेकर त्योहारों में इसकी काफ़ी मांग बढ़ जाती है, जिसके चलते इसके अच्छे दाम मिलते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन दिनों इससे आमदनी भी काफ़ी बढ़ रही है, जिसके चलते वो अपने एरिया में काफ़ी फेमस हो चली। यूपी के गन्ना किसानों के लिए सरकार की ओर से इस साल भी कोई बड़ी खुशखबरी नहीं आई। सरकार की ओर से साल 2019-20 के लिए गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य SAP घोषित कर दिया गया है, लेकिन किसानों की उम्मीद के विपरीत सरकार ने इस बार भी सामान्य गन्नों की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है। सरकार की ओर से घोषित किए गए SAP में पिछले वर्ष की तरह ही अगेती प्रजाति के लिए 325 रुपये, सामान्य प्रजाति के लिए 315 और अनुपयुक्त प्रजाति के लिए 310 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना का मूल्य निर्धारण किया गया है। इसके निर्देश शासनादेश प्रमुख सचिव गन्ना विकास एवं चीनी मिल को भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि गत पेराई सीजन को गन्ना मूल्य और ढुलाई भाड़े को भी इस बार यथावत रखा गया है। बाहरी क्रय केंद्रों से मिल गेट तक गन्ना ढुलाई भाड़े की कटौती 42 पैसे प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर और अधिकतम 8.35 रुपये प्रति क्विंटल की होगी। सरकार की ओर से लगातार दूसरे साल भी गन्ना पेराई मूल्य में वृद्धि नहीं किए जाने से किसान मायूस है। आपको बता दें कि गन्ना मूल्य निर्धारण समिति की बैठक में किसान प्रतिनिधियों की मांग है कि इस बार न्यूनतम 400 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य उन्हें दिया जाए। उनका कहना था कि लगातार लागत बढ़ने के बावजूद गन्ना मूल्य नहीं बढ़ने से गन्ने की खेती घाटे का सौदा साबित हो रही। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह बने रहें आप हमारे साथ, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ग्रीन टीवी इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।